गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों को डिस्कस करेंगे, वो है हमारा मिस्र की सभ्यता, जो कि 2100 ईसा पूर्व पुराना है। ठीक है, मिस्र में सबसे प्रमुख बोल सकते हैं तो यहाँ की पिरामिड, ठीक है, जो बहुत ही टूरिस्ट के लिए बेहद ही, यहाँ पे बहुत आदमी घूमने भी जाते हैं। मिस्र की सभ्यता जो कि मिस्र में रेगिस्तान में स्थित है, मिस्र की सभ्यता जो कि मिस्र में रेगिस्तान में स्थित है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ज़्यादातर रेगिस्तान ही है। ठीक है, यह मिस्र भी रेगिस्तानी प्रदेश है, वो मिस्र की सभ्यता रेगिस्तान में स्थित है। या नील नदी की देन है, मतलब जो है मिस्र की सभ्यता वो नील नदी की देन बोल सकते हैं। ठीक है, और नील नदी कैसे, किन किन दो नदियों से बना है, वाइट नील ब्लू नील, जो मिल गया है मिस्र में आके, तो ये मिस्र के आगे ये नील नदी हो गया। ठीक है, इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में हुआ था, इसका जो विकास हुआ था ना वो फिरौन के नेतृत्व में हुआ था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी जो है का विकास हुआ था। मतलब इस सभ्यता में सबसे जो बोल सकते हैं पिरामिड हो गया, सूर्य कैलेंडर हो गया, मम्मी का विकास हुआ। अर्थात इस सभ्यता में रासायनिक शास्त्र था, जो रसायन बना के डाल दिया जाता था कि वो अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, उसके लिए प्रसिद्ध था। और गीज़ा का पिरामिड जो है सबसे प्रसिद्ध बोल सकते हैं मिस्र की सभ्यता में। और मिस्र का सभ्यता कहाँ पे है, रेगिस्तान में, मिस्र में, नील नदी की देन बोल सकते हैं इसे। और ये फिरौन के नेतृत्व में हुआ था, पिरामिड, सुलकंडर, मम्मी। ठीक है, और इसका सभ्यता में रासायनिक शास्त्र का सुदृढ़ था, गीज़ा का पिरामिड है। तो मिस्र की सभ्यता में यही इन सब चीज़ों का वर्णन हुआ है। और सबसे मेन कारण जो है मम्मी है, आज तक वो ख़राब नहीं हुआ है। आज हम लोगों ने मिस्र की सभ्यता के बारे में समझा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।